डाटा एंट्री फ्रॉड में बहुत से लोग फंस रहे हैं। आमतौर पे आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा या फिर खुद ही आप सर्च करेंगे डाटा एंट्री फॉर्म फिलिंग कैप्चा फिलिंग वर्क कि आपको इतने इतने फॉर्म फिलअप करने हैं और इसके बदले में आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे महीने का। वीकली आप 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। आपके आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लिए जाएंगे। खुद को एकदम बिल्कुल लीगल बताया जाएगा। इनिशियली कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। एग्रीमेंट बनाया जाएगा, काम दिया जाएगा। काम अगर आप पूरा करते हैं तो भी बताया जाएगा कि आपने गलत किया है, एक्यूरेसी नहीं है, बीच में काम छोड़ेंगे। आपको डराया धमकाया जाएगा, लीगल नोटिस भेजे जाएंगे, पैसे की डिमांड की जाएगी, वरना कोर्ट केस, पुलिस केस, घर पे लीगल नोटिस भेजना। इस तरीके से आपको डरा धमका के पैसे लिए जाएंगे, एग्रीमेंट कैंसिलेशन के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, लीगल नोटिस के नाम पे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, जो कि एक तरीके का फ्रॉड है। यानी उल्टा आपसे पैसे ठगे जाते हैं कानून का, कोर्ट का, पुलिस का डर दिखा के। इस तरीके से फ्रॉड में अगर आपने भी अपने पैसे गंवा दिए तो उन पैसे को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जो पैसे आपने दिए हैं वो गलत दिए हैं। तो अगर डाटा एंट्री फ्रॉड्स में आपने भी अपने पैसे गंवाए हैं तो इसे आप कैसे वापस ले सकते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं, कहाँ कंप्लेन करना होगा, क्या प्रोसेस रहेगा। कई बार पता नहीं होता है, जो नोटिसेस हमें आ रहे हैं वो सही हैं, गलत हैं, हमें उन्हें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि नई जानकारी होने की वजह से टेंशन, डर लगना, परेशान होना, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। अगर आप भी ऐसे किसी भी डाटा एंट्री फ्रॉड में फंसे हुए हैं, कोई डरा रहा है, धमका रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, पैसे आप ना दें, अगर दे चुके हैं तो भी उस परिस्थिति में कैसे उस पैसे को वापस ले, कहाँ कंप्लेन करें, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारा कुछ आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। तो अगर आप भी किसी डाटा एंट्री फ्रॉड में फंस चुके हैं, पैसे गंवा चुके हैं, या कोई डरा रहा है, धमका रहा है, जो भी चीज़ें हैं, आप हमें व्हाट्सअप करें, जिसको देखने के बाद आपको एक सही डायरेक्शन, मार्गदर्शन, एडवाइस, हेल्प प्रोवाइड किया जा सके, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बच सके। तो ऐसे किसी भी डाटा एंट्री फॉर्म फिलिंग, कैप्चा फिलिंग, या किसी भी इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, टेलीग्राम, प्रीपेड टास्क, ऐसे बहुत सारे जॉब ऑफर्स आएंगे कि आपको वीडियोस लाइक करना है, फॉर्म फिलअप करना है, अगर इतना ही आसान होता पैसा कमाना घर बैठे, तो ये लोग जो आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं ये खुद ऐसे काम कर रहे होते हैं। और हमारे देश में इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इस तरीके से 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए यहाँ वहाँ नहीं भाग रहे होते हैं। तो ऐसे किसी भी जॉब ऑफर्स से अलर्ट रहें, सावधान रहें, ये फेक्स होते हैं, इनके पीछे अपना समय, पैसा ना गवाएं, पैसा अर्न करना है, मेहनत करें, कोई जेन्युइन काम करें। भारत में ऐसा कोई भी ऑनलाइन डाटा एंट्री फॉर्म फिलिंग वर्क है ही नहीं, केवल पैसे ठगने का एक बहाना है।